प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत जिले के लिए 70 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल रूप से किया शिलान्यास और लोकार्पण। चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट इस मौके पर वहां मौजूद रहे। आपको बता दें, चंपावत जिला मुख्यालय से लगे सिलिंग टॉक स्थित चाय बागान में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से वर्चुअली शुभारंभ किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर के दौरे पर हैं। इस शुभारंभ के साथ ही चंपावत चाय बागान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही नई पहचान मिलेगी। स्वदेश दर्शन के तहत इस इलाके में अनेक काम भी कराए जाएंगे। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत चाय बागान में 70 करोड़ रुपए की लागत की पर्यटन सुविधाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करके चंपावत जिले को एक बड़ी सौगात दी है, जो जिला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी से ताल्लुक रखता है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन अभियान के तहत चाय बागान में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे चंपावत जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने में मदद भी मिलेगी। जिले में पर्यटन सुविधाओं का विकास होने से सीमांत चंपावत में चाय उत्पादन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यटन गतिविधियों को एक नई पहचान मिलेगी। इस दौरान यहां मौजूद राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनपद चंपावत को मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार और राज्य में पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पीएम मोदी ने चंपावत जिले में पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से 70 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया है और आने वाले समय में इसका सीधा लाभ चंपावत में और चंपावत के लोगों को देखने को मिलेगा। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि चंपावत जिले में सरकार की ओर से लगातार विकास कार्यों की नई नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। इससे आने वाले समय में पर्यटन को यहां पर काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र में काम कर रही है। इसके पहले पूर्व प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने चंपावत चाय बागान का निरीक्षण करके टी बोर्ड की महिलाओं से उनकी समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनपद चंपावत को इसमें चिन्हित किया गया, जनपद पिथौरागढ़ को इसमें चिन्हित किया गया और जनपद चंपावत के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य साली दिन आज का दिन रहा है, जहां आज चंपावत के चाय बागान के क्षेत्र को जो है कई मायनों में पर्यटन के दृष्टिकोण से, विकास करने के दृष्टिकोण से 70 करोड़ की धनराशि जो है वो अनुमोदित कर दी है। और इस 70 करोड़ की धनराशि से जहाँ पर्यटन के आवागमन के लिए रास्ते, पगडंडे, जंगल का ट्रैक और यहाँ पर गाइड, आवास और यहाँ पर अलग से टिकट काउंटर, यहाँ पर हर ऐसी वो चीज़ बनाई जाएगी जो आने वाले समय में पर्यटकों को आकर्षित करेगी और साथ साथ पर्यटकों को रोकने का भी काम करेगी। तो मुझे लगता है कि चंपावत की आर्थिकी में भी और उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इस पर्यटन के विकास से निश्चित रूप से बहुत बढ़ोतरी होगी। और जो यहाँ महिलाएँ काम कर रही हैं, लगभग 80 से 85% महिलाएँ चाय बागान में काम कर रही हैं, मुझे पूरी उम्मीद है उनके भी आर्थिकी में जो है वो अच्छी प्रगति होगी। तो मुझे लगता है कि अपने चंपावत क्षेत्र के पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास के रूप में जो है एक बढ़ता हुआ और एक बड़ा कदम है। इसके बाद मंत्री ने महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। उत्तराखंड में भी स्वदेश दर्शन 2.0 यानी इसको यूं कहें तो दूसरा फेज, इसमें हमारे पास 150 करोड़ यहाँ पर धनराशि प्राप्त हुई है। आधी 150 करोड़ का चंपावत जिले के लिए और आधा भाग पिथौरागढ़ के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रपोजल यहाँ से दिया था 100% उसको केंद्र सरकार ने, पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दी है। इससे कायाकल्प हो जाएगा चंपावत में भी और पिथौरागढ़ में भी। वहाँ तो गुंजी तक, आगे तक, आदि कैलाश तक की योजना बनेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और यहाँ चाय बागान से लेकर मायावती से लेकर अन्य पर्यटक जो स्थान हैं उनको भी यहाँ पर कायाकल्पित किया जाएगा।
जिससे हमारे पर्यटक भारी मात्रा में यहाँ आएंगे, उसका फुटफॉल बहुत बढ़ने वाला है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।